COVID-19 cases in India crossed 70,000 mark. 10,000 new cases reported in 3 days, 3,604 cases in last 24 hours, 87 deaths and also 1,500 patients recovered in last 24 hours. Walpole and surrounding areas witnesses heavy showers with gusty winds on Tuesday afternoon. Seafarers from Discovery Marvella ship sent home after 14 days of quarantine. Issue of seafarers still not over. Families of seafarers and Congress marched to collector's office to bring back stranded seafarers. Photography enthusiasts and picnickers flocked to Kuridi village. Kekdivili beach violating section 144. Police act in one case, on other case no action. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. The issue of migrants still remains unsolved. Looks like there is no coordination between Goa and Karnataka government. Some migrants went to Karnataka border to go back home, but they were not allowed to enter and were sent back. Now they are stranded at Margao, while migrants from UP and MP are taking rounds of government offices. All are complaining that they barely have any food. Yesterday, some Bihari migrants went to Konkolim police station to demand that they be sent home. On Tuesday, migrants from Karnataka went to the border with their children, but they were sent back. Their own Karnataka government is not taking them back, and they also don't have shelter in Goa. हम लोग सब कारवार तक गया था सुबह, फिर वापस वो लोग ने भेज दिया गोवा को, फिर वापस हम लोग इधर जाने का, हम लोग इधर ही फंस दिया पूरा लोग, हम इधर इतना लोग है तो छोटा छोटा बच्चे लोग है, रूम भी छोड़ के हम लोग तो रूम भी फिर वापस नहीं दे रहे वो लोग। अब क्या हुआ, सब लोगों को तकलीफ हुआ, फिर हमको हमारा राज्य को जाने के लिए हमको परमिशन चाहिए था, सब लोगों को परमिशन देना, हम कर्नाटक जाने के लिए, हम किधर लोगों को हम जाने के लिए परमिशन दिया तो अच्छा होता है, तो तुमको शुक्रिया करते हम लोग देने जाने के लिए, हम कारवार भेज दिया ना, वो कारवार डी सी को हम इनम से उसको मांग रहे हैं हम लोग, हम जाने के लिए परमिशन दियो, हम कर्नाटक सीएम को भी अभी उसके इधर से हम गोवा से बात कर रहा है और हमको आने के लिए कर्नाटक हमारे गांव जाने के लिए परमिशन दे दो, परमिशन देने के लिए हम उसको मांग रहे हैं, हम सीएम येडियुरप्पा ने जल्दी हमको परमिशन देना चाहिए था, सब पूरा इंडिया में उसको जगह देने जाने के लिए पूरा परमिशन दिया, ऐसा कर्नाटक जाने के लिए क्यों परमिशन नहीं दिया तुम लोग। यूपी माइग्रेंट्स वर लॉज इन यूथ हॉस्टल पणजी. Now they are being told a bus from UP would pick them up within 2 days. 4 days have passed but the bus has not reached and they allege that no food has been provided. Migrants get messages on mobile in English and have to take help to get dose read, adding to the woes. Manipal hospital ke paas udhar damodar kali hone hai usne mein hum log rehte hain to hum log ko sarkari ration milta tha aur bole ki fir form bharo, form hum log bhar diye aur message wala hum log ko paas aaya hai. इसके बाद अभी कोई ऐसा नहीं आ रहा है, फिर राशन के लिए हम लोग गए वहाँ चौकी में यूथ हॉस्टल में हम लोग गए तो बोले 2 दिन में यूपी की गाड़ी जाएगी, अभी राशन नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद यूपी की गाड़ी जाएगी उसमें चले जाने का, अभी 4 दिन हो बीत गया, हम लोगों को कुछ नहीं पता चला सर, अभी और बोलते हैं जब हेल्पलाइन पर काम कर कॉल करते हैं तो बोलते हैं कलेक्टर ऑफिस में चले जाओ, हम लोग सुबह से आए बिना खाए आए हैं तो इधर आए, इधर पता लगी कि उधर जाओ, उधर गए तो बोले ज्योति मैम है कोई, ज्योति मैम साथ बोले सर, तो ज्योति मैम के पास गए तो पता लगी उनकी ऑफिस बंद है, फिर साहब लोग को दिखाया तो बोले 1 हफ्ते में तुम्हारा बुलावा आएगा, यही सब बोल रहे हैं सर, इधर उधर बिना खाए हम लोग सुबह से आए हैं वहाँ से दोनापाल पंजी मार्केट से उधर से आए, अरे दोनापाल से आए इधर। अभी आपका राशन का क्या है, मतलब सिचुएशन कैसे है? राशन के लिए कुछ नहीं हुआ, उस दिन गए तो मना कर दिए तो हम लोग फिर दोबारा नहीं गए सर उसके पास। अभी आपके पास राशन है? राशन नहीं है सर हम लोग पास। एप्लीकेशन भरा है ये कलेक्टर में? भरे हैं सर, ये एक मैसेज आया है। कब भरा? मैंने 3 तारीख का भरा हूँ। तो क्या है तुम लोग को? मैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ने जानता हूँ सर। तो मैसेज आएगा ना कि आप लोगों की कभी है करके, क्या है करके? और आज मैंने सुना कि वो टिकट कटेगा पैसे के लिए, टिकट के लिए पैसा लगेगा, तो हम लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है सर, टिकट कहाँ से हम लोग कटाएंगे? 15 दिन हुआ अभी तक मैसेज को, मैसेज के बोला मैसेज आएगा, अभी तक नहीं आया कुछ भी, गाड़ी आया फोन नहीं आया हमारे पास, बोला कि मैसेज आएगा तभी जाने का,
यही सब अगर मैसेज जाएगा तो अंदर डालेंगे, यही बोला है, यही सब बोलते हैं। मैसेज आएगा तो जाने का, मैसेज आएगा तो जाने का, मैसेज आया नहीं। आप लोगों ने बोला नहीं, आप लोगों को पढ़ने नहीं आता तो हम कैसे पढ़े करके, उनसे बात नहीं क्या? तो बताते हैं तो बोले कि अब किसी से पढ़वा लेने का। सर बार बार हमें किससे पढ़वाने के लिए जाएंगे मैसेज को? हिंदी में होता तो फिर भी पढ़ता, पढ़े नहीं है सर, इंग्लिश में दे रहा है ना मैसेज। रमेश नायक रावत एंड इर्शा शेख फॉर गोवा 365 फ्रॉम मारगांव एंड पणजी। Finally, after 14 days quarantine in a city hotel in Panaji, Goan seafarers from Discovery Marvella ship went home on Tuesday afternoon. But the seafarers' issue is still not over. At around the same time, some families of seafarers along with well-wishers and Congress office bearers marched the collector's office in Panaji over the issue of stranded Goan seafarers across the globe. Here's more to this story. On Tuesday, nearly 60 seafarers that had been quarantined and returned back to Goa, who were quarantined in the city hotel in Panaji for 14 days, were finally sent home. Watch. Home quarantine. कितने दिस? आने 14 days. 14 days. अत ऐसा फुटे की ना मागे financial source रेफ़िये कशर कर दिया. तो जॉब में जाके तो करवा देंगे. जॉब. तो त्याग में सर वायन है. तो का stamp भी माला? ओए stamp माला. तो बोया. तो फिर तो stamp माला. Okay. कसं वाचवा दादा तुम्ही? कसे वाचवाय तुम्ही आता घरा? आता गाडी नसतात गाड्या वाचवाय. कशी आशिली फॅसिलिटी तुमकां? फॅसिलिटी बरें आसली, बरें आशिल्लें. कितें सगळें जेवण बी टायम टायमार? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ओके, कशें काडलें तुमी 14 दीस भितर? काडपाचें कितें कोण कोण ना कांय ना. हां, फोन फोन करून काडपाचें दीस, फोन करून काडलें दीस. While on the other hand, some of the seafarers' family members, along with the well-wishers and the Congress, marched towards the collector's office in Panaji over the stagnant Goan seafarers in India and across the globe. They said that there are so many Goan seafarers who are still stuck in different cities and locations across the globe and in India, and who are waiting for a positive response from the Goa government. What? आनीक प्रयत्न चालू आहा तांकां हाडपाक. पयलो प्रॉब्लम जालो क्वॉरंटायन इश्यू जालो की भरचें पडलें, कंपनी मोबायल बरी ना भरता, मागीर बरया अशें जालें. आनी आतां सद्या तरी ती येवपाची तयारी जाली. आनीक तांणी सुद्दां न्यूज दिली की ते आज सायन ऑफ जातले आनी गोंया येवपाक बसीन येतले म्हणून. आतां कालच्यान मातशें प्रॉब्लम तयार जालो की तांचे गोंयचे पास थंगा पावूंक ना म्हणून, आनी बॉम्बे पुलीस थंगा पास दिना फ्रॉम द एमबीटी भायर सरपाक गोंया येवपाक. त्या खातीर आमी आतां डेप्टी कलेक्टर गावले आनी ताणें आमकां आश्वासन दिलां की आपूण हें पळय पासाची गरज आसा ती पेंडींग उरिल्ली ती आपूण क्लियर करता म्हणून, आनी तांकां ही फेसिलिटी बॉम्बे पुलिसीक इनफॉर्म करून ते ऑटोमॅटीक इन अ ग्रूप हाडपाक तेका तो आपलो प्रोसिजर तयार करतलो. आनी तो प्रोसिजर तयार केल्या नंतर ते ऑटोमॅटीक बॉम्बेच्यान भायर सरतले. नाल्यार ही जर सर्टिफिकेट आपूण गावना बॉम्बे, बॉम्बे पुलीस हांगा परमिशन दिना भायर सरपाक कोर्टांत. कंपनीन सगळें केलां म्हणून कंपनीन आश्वासन दिलां, आपले तसले आपले सगळे आतां फक्त उलोवप म्हणटा ते क्लियरन्स फ्रॉम मुंबय पुलीस लीव द मुंबय पोर्ट. आमी आतां कलेक्टराक सांग, डेप्टी कलेक्टराक सांग, हें मातशें बेगिना करचें. एक देड म्हयन्या पयलीं गेलो आनी आतां ताका 2 महिने जाले. आमचे मंत्री आहा, आमदार आहा, आमच्या समाजाचे जायते व्हडले व्हडले लिडर लोक आहा, कोणूच जायत पासून आमकां कांयच विचारना. आनी आमकां शांतीस्थळ साकून हांगा येवपाक गाडी घोडो कांय ना कितें. आनी आमकां इतको प्रॉब्लम जाला, म्हाजी बायल आनी हांव कशें त्रास काडटा तें कांयच जाला. एक भुरगो इजो सारको भुरगो भायर घासान पडप, हें आवय येवपाक कितके त्रास जाता हें तुमच्या सारक्या भुरग्यांक कळपाक जाय. आनी अशें जर कळना आनी अशें मंत्र्यांक जर कळना जाल्यार कांय जातलें. आनी कितें करपाचें? आनी कोणाक सोदपाचें? आशिर्वाद मेळपाक मेळ्ळें, ऑपोजिशन लिडर कामतीक मेळ्ळ्या, आनी कोणाक मेळ, आनी ते तरी मेळन ते अशेंच सांगता जातलें काम. आनी कितें पत्रकार इरफान साहेबान आमच्या जायतो हे सपोर्ट करून आनी हेणेनूय आमकां हें केल्लो. तेंचे वांगडा जे आनी जे 450 सुमार भुरगे काम करता ते आयज गुजरात, महाराष्ट्रा आनी तमिळनाडू हे जे सरकार जे आसा त्या भुरग्यांक जे आयज ते रेस्क्यू करून व्हरपाक लागल्या. सो आयज आमी कलेक्टराक मेळपाक आयले सिन्स शी इज नॉट डेर. आमी आमचे डेप्टी कलेक्टर हू इज ऑलरेडी प्रोमोटेड एज अ कलेक्टर कॅडर ताका मेळ्ळे आनी ताणें आमकां जवळ जवळ 10 मिनटां भितर ताणें प्रॉब्लम जो आसा सॉल्व आउट करपाक लागून ताणें बॉम्बेक फोन केलो आनी कशे तरेन जे आसा तांकां परतून हाडपाक लागून आख्खी जी आसा विवेकानंद बाबान तें सगळें करून जें आसा तांकां फाल्यांच्यान फाल्यां म्हणल्यार परमिशन जें आसा दितलें.
आणि तेंका परवाचन जे तेंका हाडपाचे प्रोसेस जो आसा ही गोंयची सरकार करतले। आमी बाब विवेकाचो धन्यवाद करता की तेणे इमिजिएटली आमचे पेरंट्सांक बाबड्यांक तेणे आयकून घेतले, कित्याक इतले दीस जाले, 60 दीस जाले ते बाबडे थंयच्यान कॉर्डिनेट करता आमच्या सरकाराक, गोंयच्या सरकाराक बघ कसलोच जो रिस्पॉन्स, 60 दीस जाले बसून आयज बसून कांयच रिस्पॉन्स ना। Our video journalist Irsha Sheikh in Panaji for Goa 365. The COVID-19 cases in India has crossed 70,000 mark. Cases crossed 10,000 mark barely in 3 days. In last 24 hours, 3,604 cases and 87 deaths were reported. Also, 1,500 patients have recovered. India has reported 70,756 COVID-19 positive cases till date. 2,293 deaths were reported and 22,455 patients have recovered. Maharashtra is leading with 23,401 cases, followed by Gujarat 8,541, Tamil Nadu 8,002 and Delhi 7,223 cases. More than 88,891 COVID-19 cases were reported worldwide in single day. The COVID-19 cases have crossed 42.72 lakhs. 2.87 lakh deaths are reported and more than 15.36 lakhs have recovered. Bureau report, Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The water level in reservoir of Silauli Dam are getting lower in summer, leading to an influx into Kurdi village. Photography and enthusiasts and picnickers are seen flocking into the village despite knowing the fact that section 144 is in place. In one such incident, a group was caught after police came to site and dispersed the people. Kurdi village lies in the vicinity of Salalim Dam. The entire village gets submerged during the rains as reservoir of Salalim Dam go full. And every summer, village resurfaces again. This place becomes an attraction for various people. While government has relaxed lockdown, many people took this as an opportunity, even though Section 144 is in force. Sangay Deputy Collector Ajay Gowde said police are told to keep vigil in the area and it's not right for the people to come out of the houses during the lockdown. Kurdi gavan, sagyan khabar asa goy bhar ki sangyancho Kurdi gav asa to may ani June first week asa mhatlar to empty jaun to khali jata udak te actually it is डैम एरिया आणि डॅम एरिया असल्या कारण ती प्रोहिबिटेड एरिया असा, पण ते टेम्पल असल्या कारण लोक नॉर्मली लोक थंय पळोवपाक येताले. ह्या दिसांनी फाटले 10-15 दीस आमकां भरपूर पळोवपाक मेळ्ळें, खूब गर्दी थंय जाताली. मडगांवच्यान म्हणा, वास्को, मडगांव, बिचोले, पूर्ण गोंयभरांतल्यान लोक हे तिळसांच्या वेळार थंय येवप आणि एका गाडयेन 7 लोक, 8 लोक, भरपूर गाडयो थंय येवप. सो हांवें एक फूल ड्रायव्ह घेतली की पयरच्यान सुरू जाल्ली तारीख 8 दीस मॉनिटर पर्सनली हांव करतालो, PI आणि आम्ही सगळे घेऊन मॉनिटरिंग करून. काल अचानक अश्यो 2-3 गाडयो थंय पळोवपाक मेळ्यो आणि अशी भयंकर स्थिती दिसली की लोकांकूय म्हाका दिसता की थोडीशी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. जी लॉकडाऊन पिरियडान जो गव्हर्मेंटान जर तुमकां घरा राव सांगला, फक्त एसेन्शियल कामां खातीर भायर सरला, सो कुर्डी सारखे येवप किंवा खंयचे एक ट्युरिस्ट स्पॉटार वचप, दीस इज नॉट द रायट टायम. काल स्पेशल ड्रायव्ह घेतली आणि सगळ्यांच्यो खुबशे लोक मास्क घालिनात, सोशल डिस्टन्सिंग पाळिनात, गर्दी आसा एका गाडयेन, सो 7-7 लोक. सो आय हॅव कॉल्ड बोथ द PI's मिटींग टुडे, केपे PI आणि सांग्या PI. आफ्टर एनालिसीस म्हाका अशें दिसून आयलें की एंट्री जी पॉयंट आसा तो चडसो कोळमा जो पॉयंट आसा त्या पॉयंटा वयल्यान चडशे लोक येतात. मडगांव, पणजे, वास्को हे सगळे लोक जे आसात ते कोळमा रोडांतल्यान भितर येतात आणि थोडेशे लोक जे लोकल आसात ते कुरपे सायडीच्यान येतात. सो आय हॅव डायरेक्टेड बोथ द PI टू मेक स्पेशल अरेंजमेंट बॅरिकेडींग करून थंय सकाळची 9-11 आणि सांजचे 3-6 कोळमा एक मनीस दवरा सांगला पोलीस ऑफिसर, तसेच कॅप सांगे पोलीस स्टेशनाक हांवें डायरेक्शन दिला की तांणी कुरपे सायडीन दवरपाक जाय. WRD सिन्स प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू WRD डॅम एरिया जे आसा तांकां हांवें सांगला तुमच्या आतां सद्या जे डॅमार कांय ऑफिशियल थोडे सेक्युरिटी गार्ड आसात तांचो डॅमार सद्या येवप असो लोक कमी आसात, थंयचे एक दोग जाण गार्ड थंय शिफ्ट कर म्हणून सांगल्यात. आणि फॉरेस्टाची एरिया तेजे बाजूची एरिया जी आसा ती फॉरेस्ट एरिया आसा, ताज्या कारणाक लागून फॉरेस्टाकूय डायरेक्शन दिला की तांचे जे फॉरेस्ट गार्ड आसा तेवूय थंय पेट्रोलिंग करचे आणि थंय रावचे, अशें करून आमी पूर्ण नियंत्रण लोकांचे दवरपाक मेळटलो. However, in KK Devli Beach, Resh Magosh, people are flocking to the beaches and nobody seems to be bothered. Even though Section 144 is in place and its usage is likely to be extended. Watch.
Pras Sawardekar and Glenn Costa for Gwadar 65 from Kurdi and Reshma Ghosh. Warpoi and surrounding area witnessed heavy showers accompanied with gusty winds on Tuesday afternoon. This gave relief to many from the rising temperature. Watch. Our video journalist Aniket Narvekar in Warpoi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Gammon India Port Connectivity Project supervisors went on strike on Monday, demanding immediate release of salaries. They say that they have not received salaries for the last 3 months and they have not got any help from either the company or the government. Project manager Deepak Bandekar said that the PWD is to pay them around 20 crore rupees and that is to be been pending for quite some time, leading to financial crisis. He agreed with the supervisors, saying that as COVID-19 crisis has hit, they are facing even more difficulty as the cost had gone up. Sir, अभी कैसा है कि अपना ये जो कामगार है, जैसा हमारा स्टाफ है, इस स्टाफ के स्टाफ का डिमांड क्या है? उनका 3 महीने का सैलरी बैलेंस है। वो बोल रहा है कि सैलरी दीजिए, क्योंकि नई सैलरी नहीं तो हम काम नहीं कर सकते, अभी कोविड का टाइम है। उसके इश्यू से हम लोग पीडब्ल्यूडी से भी बात किया था कि पीडब्ल्यूडी हम लोग को एक साल से 21 करोड़ देना बैलेंस है जो काम किया हुआ है, तो अभी तक हमारा कंपनी को नहीं दिया हुआ है। तो अभी हम लोग को सीएम का मीटिंग हुआ था लास्ट 22 तारीख को, सीएम साहब का, फेब्रवरी को, तो वो टाइम में हम लोग को एक मीटिंग था कि सीओएस मनी हम लोग को वापस देने का। मार्च फर्स्ट वीक में उन्होंने बोला था कि सुपरवाइजर मीटिंग करेगा और अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बहुत पॉजिटिव है और उन्होंने बहुत ट्राई किया कि हम लोग को मिलेगा। बीच में कोविड का प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए उनका जो बात हो अपना दिल्ली गवर्नमेंट से नहीं हो पा रहा है, इसके लिए थोड़ा रुका हुआ है। नहीं तो हम लोग मार्च फर्स्ट वीक में हम लोग को नियर अबाउट 21 करोड़ जो मिलने का था और सबका जो लायबिलिटी हम लोग क्लियर कर देते हम लोग कर सकते थे। तो ये हमको एक अभी एक लास्ट मीटिंग में भी हम लोग का हुआ है कि अभी जस्ट कोविड की वजह से हम लोग मीटिंग नहीं कर पा रहे, पीडब्ल्यूडी बोला है, तो होते ही हम लोग को पैसा दे देगा तो हम लोग को समस्या पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका डिमांड है कि कैसे भी हम लोग को खाने पीने के लिए थोड़ा पैसा मांगते हैं, उसके लिए हम लोग दीजिए 3 महीने की सैलरी, तो हम लोग काम करेंगे। ये लोग सुपरवाइज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम चालू है अपना, कॉन्ट्रैक्टर लोग काम कर रहा है और फिलहाल तो काम के लिए अभी इनका सुपरविजन बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए पैसे के लिए हम लोग पीडब्ल्यू गवर्नमेंट से भी मांग करता है कि कैसे भी करके हम लोग को थोड़ा थोड़ा पैसा देगा तो भी इनका हम लोग क्लियर करेगा और अपना काम बहुत जल्दी, अपना बायना का ब्रिज हम लोग करना चाहते हैं, बहुत सुंदर ब्रिज है, उसके साथ में भी इधर का जो भी अपना लीडर्स है वो लोग भी बहुत सहयोग करते हैं और जितना भी टीम लोकल भी है हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाने में बहुत सहयोग देते हैं। इसके बीच में हम लोग को कैसे भी करके हम लोग ये पैसा हम लोग का आ जाएगा गवर्नमेंट से, तो हम लोग तुरंत हम लोग की तरह का NHA का मीटिंग और अपना गोवा गवर्नमेंट का सेक्रेटरी का मीटिंग जितना जल्दी होएगा उतना जल्दी हम लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मैं स्टोर सत्र से काम कर रहा हूँ, तो अभी जो अभी समस्या है हमारा ये लॉकडाउन में, एक तो कंपनी का तरफ से कुछ हेल्प मिला नहीं अभी तक, दूसरा सरकार से भी कुछ हेल्प मिला नहीं, तो हम लोग अभी कैसे चलेगा, अभी हम लोग कैसे खाएगा, क्या करेगा, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है हम लोग, इसीलिए पेमेंट अभी हमारा 3 महीना कंप्लीट होगा, 4 महीना चालू है, तो अभी तक पेमेंट हमको मिला ही नहीं। हम लोग जो आदमी 20-25 हज़ार 40 हज़ार काम कर रहे हैं वो तो कम से कम पैसा कैसे घर चला लेगा, लेकिन हमारा जो है 12,000-13,000 रुपये में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कैसे हम लोग फैमिली चलाएंगे, हमारा कैसे चलाएंगे, एक बहुत कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है। अब फिलहाल इसी के लिए हम लोग बहुत परेशान है, इसीलिए हम लोग इधर जमा होकर आज सब हमारा साहब को बोला है कि अगर काम चालू होगा तब जाके हम लोग, अगर सैलरी मिलेगा तब जाके हम काम चालू करेंगे, जब तक सैलरी नहीं मिलेगा तब तक हम चालू नहीं करेंगे, इसी हिसाब से हम लोग अभी इकट्ठा हुआ है। बस यही काम बात बताना था, इसके हिसाब से अगर सरकार कुछ सहायता कर सके और इधर भेज सके तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोगों को कोई हेल्प नहीं है, कंपनी की तरफ से कोई हेल्प नहीं है, हम लोग तो बहुत मुसीबत में, आप थोड़ा हमारा सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमारी थोड़ी हेल्प की जाए और हम लोग को गाँव भेजा जाए, हम लोग अभी काम भी नहीं करना चाहते, हम लोग का क्लियर दे दे और हम लोग गाँव चले जाएंगे।
इसकी जिम्मेवारी सरकार ले और हम लोग को घर भेज। He also spoke about the problems faced in the construction and delay in payments in general. Watch. कोविड के वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है सर, जैसा कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कंस्ट्रक्शन साइट है, हम लोग अगर सलिया भी लेके जाते हैं तो हम लोग को बहुत सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर हमारा प्रोडक्टिविटी 100% का रहने का रहता है तो उसमें से हम लोग को 25-30% का ही प्रोडक्टिव होता है। तो इसके लिए हम लोग को क्रॉस बॉर्डर से भी हम लोग को जितना भी मटेरियल्स आने का है, जस्ट लाइक एडमिक्सर आने के आने का है, तो हम लोग को दिल्ली से आने का, तो दिल्ली से हम लोग इधर पहुंचने के लिए भी लेट हो रहे, तो इसके लिए हम लोग को इफेक्ट बहुत हो रहे हैं। और दूसरा बात है कि हम लोग को ऐसा ये प्रोजेक्ट में हम लोग को बहुत जल्दी पहले ही कंप्लीट होता था, बिकॉज ये सीओस का मनी जो हम लोग को नहीं मिला, तो लास्ट एक साल लास्ट मई में हम लोग से ये आपको भी मालूम है, आप ऐसा मीडिया आपने बहुत बार आके इधर हम लोग सीएम के साथ में भी, ऑनरेबल सीएम के साथ में भी आपने मीटिंग किए हुए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अपना ये प्रोजेक्ट कैसे भी करके हम लोग आगे बढ़ाए। अब रिपोर्टर हीरो महाले फॉर गोवा 365 इन वास्को। रोड वाइडनिंग वर्क इन बिचोली नियर तड़ेश्वर इन मुड़गांव इज नॉट प्रॉपरली प्लान्ड। This is an invitation for major accidents, Bicholi Bachao Abhiyan has alleged. Members that are locals from the area have called the PWD, police and other official to visit the site, but they allege that nobody has came. Bicholi Bachao Abhiyan's Naresh Sawal, a former MLA, has expressed his dissatisfaction with the work and alleged that officials are playing politics and playing with the life of people. Locals say that this has to be rectified. हे करपाक पैसे ना, हे करपाक पैसे हा, 100 मीटर दा हे फुले करूंगा ना सरकार, हे सगळं एक्वायर केला जमीन, आता आमची बॉर्डर होगी थोड़ी वैर मेरे त्यांच्यानी हो केला त्यांच्या रस्ता खराब नाही, पण कंप्लीट करू ना नो सरकाराकडे, हे पैसे हा करपा, हे पैसे ना करपा, आम्ही मीटिंग आमचे हे केले की हे नाका म्हणून इंटिमेशन दिले तुम्ही, आता वाइडनिंग म्हणतो स्टेट हायवे हो झाला म्हणतो ते त्यांच्यानी ऍटलीस्ट सगळे तरी करून झाले फुल सांगपाचे म्हणजे किती। आज हा मूळ पंचायत पंच म्हणून हायन ती हेच्या पहिली पंचायतीक हायन आम्ही हे घेतलेले रेझोल्युशन घेतले की हांगा सकयल पर्यंत घेऊंक नाका म्हणून, कितें हा म्युन्सिपाल्टीची लायन कितली आहा तेच्या पर्यंत आसूं न्ही, आनी दुसरें म्हणजे आमकां हांव संभ्रमण पडले आमी की हे कितें ही वायडनींग रोड करता की फुटपाथ ब्युटिफिकेशन करता हे आजून पर्यंत आमकांय खबर ना, म्हणून कितें आहा हे कितें तें सारकें एक स्पश्ट करचें की एक ब्युटिफिकेशन काय वायडनींग ऑफ रोड, गाडी फास्ट येतली वयरसून आणि जे पुढे आहा पळय ते झाडां बीन त्यांना मागीर दिसतली, आणि तो कोणी आहू तो हाडटलो आणि हांगा डायरेक्ट हांगा हाडून मारतलो पयली, हो एक तो धोका एक सारको अत्यंत धोका असो निर्माण केल्लो असा हो, तेजेर कितें तरी विचार करचो पीडब्ल्यूडीन जावं आरटीओन जावं पुलीस डिपार्टमेंटान हेजेर एक्शन घेवची बेगींतल्या बेगीन, जेणे करून आमकांच फुडें हांगासर मागीर हें करचें पडटलें, जावं आमी लोकल हांगा बसलेले आसता सांजचे कोणीय जर हांगा एक्सिडंट जालो आमकांच धांवचें पडटलें, लोक ते जर कट करिना आणि आसा तशेंच जर दवरीत जाल्यार भविश्यान हांगासर मोठो एक्सिडंट जावपाचो संभव आसा। आमी हेच्या पयलीं बिचोलेन जे स्ट्रक्चर उबें केलें त्या संदर्भानूय आमी सांगलेलें। महेश गोयेकर फॉर गोवा 365 फ्रॉम बिचोली। With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365TV, and subscribe our YouTube channel, Goa365TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.